Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Faiza Wasim. Today in this video we are going to discuss about the distributed processing. Distributed processing का concept आज की इस video में cover करने वाले हैं और distributed processing का task perform करने के लिए कौन कौन सी necessities होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होने चाहिए वो हम इस video में discuss करेंगे. Video start करते हैं, बात करते हैं that what is distributed processing. Distributed processing is the area of computer science. वी ऑल नो कि कंप्यूटर साइंस का एक एरिया है जो कि क्या करता है, दैट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट. कोई भी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है आपके पास, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट मींस कि जहाँ पर डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड हों और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर रही हों. ठीक है, जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं कोई वो किसी भी पर्पज़ के नहीं हो सकता है, किसी रिसोर्स को शेयर करने के लिए हो सकता है, या फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किस टाइप की है. आपके नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस के साथ डील करना होता है तो वहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है. ठीक है, और ये कंप्यूटर साइंस का एक एरिया है हमारे पास. नाउ नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं. सबसे पहले कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर यू शुड हैव. इट हेल्प्स टू मशीन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उसके लिए यू शुड हैव कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर ताकि आपकी जो डिफरेंट मशीन्स आपस में कनेक्टेड हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें. देन आपके पास क्या चीज़ ज़रूरी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. What does it mean? The set of system software required to support the use of servers in the network. आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है ताकि जो आपके नेटवर्क के ऊपर सर्वर्स हैं उनका आप यूज़ कर सकें, और वो एक टाइप के क्या हो सकते हैं, वो सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है ना क्या करता है, कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर जब आपके डिफरेंट सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं ताकि आपके नेटवर्क के ऊपर जो सर्वर्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें. देन फाइनली वी शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स द की फंक्शन सपोर्टेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. इट मे रिलाय on communication architecture for basic communication functions. It provides transparent access of resources over a network. Distributed operating system से आपको एक transparent आप कह सकते हैं access मिल जाता है, ताकि आप different resources को जब share कर रहे हैं, किसी भी machine को ये नहीं पता चलता कि जो मेरा task perform हुआ है, जो मुझे resource मिली है, वो किसी और machine से जाकर मिली है. जो मेरी चीज़ें perform हो रही हैं वो network के ऊपर रहते हुए किसी server को use करते हुए perform हो रही हैं. ये सारा benefit आपको distributed operating system के through मिल जाता है. तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. इस वीडियो में हमने बात किया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के हवाले से. वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.